कहानी की शुरुआत में हम एंजल नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो किसी वेंट के जरिए बाहर निकल रही थी। बाहर आने के बाद एंजल कुछ लोगों को देखती है जो कि लड़कियों को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। साथ ही उसे वहां कुछ लोग ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ हम एंजल की फैमिली को देखते हैं, जो की 4 लोगों की होती है, जिसमे उसके डैड उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे क्योंकि उनका एंजल की मॉम से हमेशा झगड़ा होता था। फिर कुछ दिन बाद उस के अंदर अटैक हो जाता है, जिसमें मिलिट्री पूरे शहर को तबाह करने लगती है। इसमें सभी मिलिट्री वाले लोगों को बाहर निकाल कर उन्हें मार रहे थे। इसके बाद वो उस सिटी की यंग लड़कियों को एक गैंगस्टर के हाथ सौंप देते हैं, जिसके बाद वो गैंगस्टर उन लड़कियों के साथ रेप कराया करते थे। इन सब चीजों का शिकार एंजल की फैमिली भी हो जाती है, जिसमे उसके आंखों के सामने ही उसकी मॉम और सिस्टर को मार दिया गया था। दरअसल इस गैंगस्टर का मेन आदमी विक्टर था, जो उन सभी लड़कियों का आर्मी वालों से रेप कराया करता था, जिससे उसे काफी ज्यादा पैसा मिला करता है। अब उन सभी लड़कियों को विक्टर के पास लाया जाता है, जहां विक्टर उन सभी से कहता है कि तुम लोग अपनी पिछली लाइफ और बाहर की दुनिया के बारे में भूल जाओ, क्योंकि आज के बाद वो सब कभी बाहर नहीं जा पाएंगी, और अगर किसी ने भी यहां से भागने की कोशिश की तो वो उसे जान से मार देगा। ये कहने के बाद विक्टर अपने पास एक लड़की को बुलाता है और उसके गले में चाकू घुसाकर उसे जान से मार देता है, ताकि बाकी की लड़कियों के अंदर डर बना रहे। अब सभी लड़कियां काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। तभी विक्टर की नजर एंजल पर पड़ती है, जिसके चेहरे पर अजीब सी बर्थमार्क होती है। ये देखकर विक्टर उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है। तभी हमें पता चलता है कि एंजल एक डेफ लड़की है, यानी कि ना वो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। इसलिए विक्टर उसे प्रोस्टिट्यूशन का केयर टेकर बना देता है, जिसमे वो बाकी के लड़कियों का मेकअप करके उन्हें सेक्स के लिए रेडी करेगी। साथ ही एंजल उन लड़कियों को पहले ड्रग्स देगी जिनके लिए कस्टमर पहले आ रहे हों, ताकि वो लड़कियाँ कस्टमर को सेक्स करते समय प्रॉब्लम ना करें। एंजल को ये सब काम एक वेंट के जरिए जाकर करना पड़ता था। अब एक दिन एंजल एक ऐसी लड़की के पास खाना लेकर जाती है जो ऑलरेडी मर चुकी होती है, क्योंकि किसी ने उसके साथ बुरी तरह रेप किया था। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो उसकी डेड बॉडी को एक कपड़े में लपेटकर बाहर ले जाने लगता है। दरअसल ये सब यहाँ की एक आम बात थी, जहाँ बहुत से लोग लड़कियों के साथ जबरदस्ती रेप करके उन्हें मार दिया करते थे। इसके बाद विक्टर एंजल को एक दूसरी लड़की का मेकअप करने के लिए बोलता है, क्योंकि कुछ कस्टमर वहां आने वाले थे। अब एंजल उसके रूम में जाती है, जिसका नाम वानिया होता है। यहां वानिया को पता चल जाता है कि एंजल एक डेफ लड़की है, इसलिए वो एंजल से इशारों के जरिए बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे साइन लैंग्वेज आती थी। अब वहां पर कस्टमर आ जाती है। फिर कस्टमर के जाने के बाद एंजल फिर से उसके रूम में आती है और उसके फेस पर लगे ब्लड को साफ करती है। यहाँ वानिया बताती है कि उसे साइन लैंग्वेज इसलिए आती है क्योंकि उसके फादर भी डेफ थे। वानिया को देखकर एंजल को अपनी फैमिली की याद आती है। तभी एंजल को यहाँ किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब रात को एंजल वेंट के थ्रू फिर से वानिया के घर आती है। इसके बाद वानिया उससे यहाँ से जाने का रास्ता पूछती है। इस पर एंजल कहती है कि यहाँ से बाहर जाना मुश्किल है क्योंकि ये जगह सभी तरफ से लॉक है। एंजल वानिया के लिए चॉकलेट भी लाई थी, जिसे वो दोनों मिलकर खाती हैं। पर तभी वानिया को वहाँ किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो वेंट के थ्रू फिर से अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे एंजल को दोबारा से वानिया के पास रेडी करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि उसके लिए कोई कस्टमर आने वाला था। वानिया एंजल से कहती है कि मुझे ड्रग्स का इंजेक्शन लगा दो, ताकि कुछ सुकून मिल जाए। अब एंजल वानिया को रेडी कर देती है और दोबारा से वेंट के अंदर चली जाती है। तभी वानिया के पास एक कस्टमर आता है जो उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा होता है। ये सब एंजल वेंट के थ्रू देख रही थी। फिर एंजल उसके रूम में जाती है, तभी वहाँ विक्टर भी आ जाता है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने वानिया के साथ बहुत जबरदस्ती की थी, जिसकी वजह से उसका पेल्विस टूट गया था। फिर वो सब वहाँ डॉक्टर को बुलाते हैं। अब डॉक्टर वानिया का चेकअप करने के बाद विक्टर को काफी भला बुरा कहता है, क्योंकि उसकी वजह से ही वानिया की ये हालत हुई है। ये सुनकर विक्टर डॉक्टर को पैसे देकर यहाँ से भगा देता है। इसके बाद विक्टर एंजल को अपने पास बुलाकर एक मास्टर की देता है और कहता है कि अब से तुम यहाँ के सभी डोर ओपन करके जा सकती हो, पर मुझे पता है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगी क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। अगले दिन एंजल वानिया को ड्रग्स देने के लिए उसके पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि वानिया की हालत और भी ज्यादा खराब होती है। तभी यहाँ विक्टर का आदमी एलेक्जेंडर आ जाता है, जो एंजल को जल्दी ड्रग्स देने के लिए बोलता है, पर एंजल उसे ड्रग्स नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो ड्रग्स से भरा इंजेक्शन अपने पास ही रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कुछ मिलिट्री के सोल्जर्स को देखती हैं, जिनका लीडर गोरान होता है। दरअसल गोरान उसी सिटी का लीडर था, जिसने एंजल के सिटी में जाकर उसकी
पूरी फैमिली को मारा था। यहाँ गोरान का छोटा भाई जैसिफ और उसके बाकी के साथी जिनका नाम ब्रांको, इवान और रदोवन होता है। अब गोरान एंजल को देखकर उसे पहचान लेता है, इसलिए वो विक्टर से कहता है कि तुमने इसे अपने साथ क्यों रखा है। इस पर विक्टर बताता है कि एंजल यहाँ की केयर टेकर है जो उसकी हेल्प करती है। इसके बाद गोरान अपने बाकी के साथियों को अलग अलग रूम में जाकर लड़कियों के साथ रोमांस करने के लिए बोलता है और खुद विक्टर से बातें करने के लिए उसके ऑफिस में चला जाता है। वहीं इवान वानिया के पास जाता है और उसके साथ जबरदस्ती रेप करने लगता है। एंजल ये सब उसी वेंट से देख रही होती है जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो वेंट से बाहर निकलकर इवान के पीठ पर कई बार चाकू से हमला करने लगती है जिससे इवान की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी एंजल देखती है कि वानिया भी मर चुकी है, इसलिए वो काफी दुखी होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आने लगते हैं क्योंकि उन्हें इवान के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। अब वो सब डोर को तोड़कर अंदर आते हैं, लेकिन तब तक एंजल वेंट के रास्ते यहाँ से जा चुकी होती है। गोरान इवान की यह हालत देखकर काफी गुस्सा होता है और विक्टर से इसका कारण पूछने लगता है। इस पर विक्टर उसे साफ मना कर देता है। तभी गोरान को वेंट की तरफ से कुछ आवाज सुनाई पड़ती है, इसलिए वो आवाज का पीछा करते हुए सभी रूम में चेक करने लगता है। यहाँ सभी लड़कियां अपने अपने रूम में होती है पर एंजल यहाँ से गायब होती है। ये देखकर गोरान समझ जाता है कि ये सब काम एंजल का ही होगा, इसलिए वो गुस्से में एक लड़की के ऊपर गोली चलाकर उसे मार देता है और अपने आदमियों से कहता है कि वो लोग इस पूरे घर को लॉक कर दें और फिर जैसे ही इन्हें एंजल दिखाई दे तो ये सब उसे शूट करके मार दें। इसके बाद गोरान और विक्टर नीचे आते हैं जहां उन दोनों में बहस हो जाती है। उधर एंजल एक वेंट से बाहर निकलती है और उस मास्टर की से मेन डोर को ओपन करने लगती है, पर वो डोर ओपन नहीं हो रहा था जिससे एंजल समझ जाती है कि विक्टर ने उसे रियल चाबी नहीं दी थी। अब एंजल फिर से वेंट के अंदर जाने लगती है पर तभी गोरान उसे देख लेता है, इसलिए वो उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन एंजल किसी तरह वेंट से आगे निकल जाती है। इसके बाद एंजल फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचती है जहां उसे अलेक्जेंडर देख लेता है। अलेक्जेंडर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंजल अपने पास रखे हुए ड्रग्स का इंजेक्शन अलेक्जेंडर को लगा देती है। इन दोनों की आवाज सुनकर यहाँ बाकी के लोग आ जाते हैं, इसलिए एंजल फिर से वेंट के अंदर घुस जाती है, पर तभी गोरान उसका पैर पकड़ लेता है। फिर एंजल अपने दूसरे पैर से उसके ऊपर हमला करके अंदर चली जाती है। इसके बाद गोरान अपने एक आदमी को गन देकर वेंट के अंदर घुसने के लिए बोलता है क्योंकि वो उन सबसे पतला था, लेकिन एंजल उसके ऊपर एक ईंट से वार करके उसे भी मार देती है। ये सब देखकर गोरान अपने बाकी के साथियों के साथ कुछ राइफल और आंसू गैस बाहर निकालता है और अलग अलग कमरे में जाकर उनके वेंट में आंसू गैस डाल देता है जिससे पूरे घर में धुआं हो जाता है। तभी विक्टर रदोवन को गोली से शूट करके मार देता है क्योंकि उन लोगों ने उसके दो लड़कियों को मार दिया था। अब गोरान और जैसे बचे होते हैं। तभी गोली की आवाज सुनकर गोरान वहां आता है, लेकिन विक्टर उसे बताता है कि रदोवन को एंजल ने मारा है। अब गोरान की नजर एक विंडो पर पड़ती है जहां से एंजल बाहर निकल रही होती है। ये देखकर गोरान उसके ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन एंजल किसी तरह जंगल की तरफ भाग जाती है। इसके बाद गोरान अपने भाई और विक्टर के साथ उसका पीछा करने के लिए जंगल की तरफ जाता है। फिर वो सभी को जंगल में अलग अलग डायरेक्शन में जाने के लिए बोलता है। वहीं एंजल भागते हुए एक जगह पर गिर जाती है जहां उसे मरी हुई लड़कियों की बहुत सी सड़ी हुई डेड बॉडीज मिलती हैं, क्योंकि विक्टर सभी लड़कियों की डेड बॉडीज को यहीं पर फेंक दिया करता था। तभी वहां विक्टर आ जाता है जिसे एंजल चाकू दिखाकर उसे दूर रहने के लिए बोलती है, पर विक्टर उसे प्यार से समझाता है कि वो उसे अपना चाकू दे दे क्योंकि वो उसे कुछ भी नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। ये सुनकर एंजल उसकी बातों में आकर उसे अपना चाकू दे देती है। फिर विक्टर उसे एक तमाचा मारता है जिससे एंजल नीचे गिर जाती है। तभी यहाँ गोरान और जैसिफ आते हैं जिसे देखकर विक्टर एंजल पर गन पॉइंट करके गोरान से कहता है कि वो सब अपना चाकू नीचे फेंक दें, जिसके बदले में वो उन्हें अपने बिजनेस का 50% मार्जिन देगा। पर तभी एंजल विक्टर के पैर से चाकू निकालकर उस पर हमला कर देती है जिसके कारण विक्टर काफी घायल हो जाता है और उसके हाथ से गलती से गोली चलकर जैसिफ को लग जाती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अपने भाई को मरा हुआ देखकर गोरान को काफी गुस्सा आता है और वो विक्टर पर कई बार गोली से फायरिंग करके उसे मार देता है। अब एंजल वहां से भागते हुए एक घर तक पहुंच जाती है जहां पर एक लेडी डोर को ओपन करती है। तभी एंजल बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी एंजल के सभी घाव को साफ करके उस
पर मलहम लगा देती है। फिर जब एंजल को होश आता है तो वह एक रूम में एक फोटो देखती है जो इवान और उसकी वाइफ का होता है। ये देखकर एंजल समझ जाती है कि ये घर उसका ही है। उधर इवान की वाइफ को गोरान का कॉल आता है जो उसे सब कुछ सच बता देता है। ये सुनकर वो लेडी एंजल पर चाकू से हमला करने के लिए आती है, पर तभी एंजल उसके सिर पर बार बार हमला करके उसे मार देती है। अब गोरान भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन तब तक एंजल वहाँ से निकल चुकी होती है। इसके बाद एंजल एक फैक्ट्री में पहुँचती है जहाँ कुछ देर बाद गोरान भी पहुँच जाता है। गोरान वहाँ के सभी वर्कर्स को फैक्ट्री खाली करने के लिए बोलता है। तभी एंजल एक पाइप के अंदर घुस जाती है जिसका पीछा करते हुए गोरान भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन वो पाइप काफी ज्यादा पतला होता है जिसकी वजह से गोरान बीचों बीच पाइप में फंस जाता है। गोरान को फंसा हुआ देखकर एंजल उसके पास आती है। गोरान उससे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर एंजल उसे एक स्माइल देते हुए एक कपड़ा उसके मुंह में घुसा देती है ताकि उसकी आवाज किसी को भी सुनाई ना दे। इसके बाद एंजल अपने ब्लड से गोरान का मेकअप करने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे वो उन लड़कियों का करती थी। खैर अब एंजल उस पाइप से बाहर निकल जाती है और वो भागते हुए एक ओल्ड लेडी से टकरा जाती है। वो लेडी एंजल की यह हालत देखकर उसे अपने घर ले जाती है। यहाँ हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर होता है जिसे विक्टर ने वानिया का इलाज करने के लिए बुलाया था। यानी कि एंजल अब पूरी तरह से सेफ है क्योंकि वो डॉक्टर एक अच्छा इंसान होता है। अब डॉक्टर एंजल को देखकर पहचान जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।